स्टूडेंट्स uh, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की कि आप किस तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं उनकी ईमेल किस तरह से फाइंड आउट करनी है अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को किस तरह से सर्च आउट करना है और जो सुपरवाइजर हैं उनको ईमेल कैसे करनी है यानी कि उनकी ईमेल कैसे आपने सर्च आउट करके उनको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने करना यह है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूनिवर्सिटी की आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की स्कॉलरशिप में बता रहा था जो पाँच यूनिवर्सिटीज थी उनमें एक यूनिवर्सिटी ये एजिथ कोवन यूनिवर्सिटी है इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने किस तरह से बाकी भी सेम अगर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए whatever, कहीं पे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरह से ही कर सकते हैं सिंपल आपने गूगल ओपन कर लेना है वहां पर आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम सर्च आउट करना है ठीक है ये मैंने सर्च किया एदित कोवन यूनिवर्सिटी ठीक है अब जब मैंने सर्च आउट किया तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनकी वेबसाइट पे ठीक है अब इनकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा ठीक है अब अब फर्दर आपने क्या करना है आपने अपना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट किस तरह से सर्च आउट करना है अब पहले भी मैंने आपको बताया है काफी बार बता चुका हूँ जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर डिफरेंट स्कूल होते हैं ठीक है फिर उन स्कूल्स के अंदर स्कूल का ये मतलब नहीं है कि ये एबीसीडी वाला स्कूल हमारे यहाँ उनके स्कूल्स होते हैं लाइक स्कूल ऑफ मेडिसिन स्कूल ऑफ हेल्थ फिर उनके अंदर फर्दर पार्टीशन यानी कि डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं आप यहाँ पर कहीं कहीं पे किसी किसी वेबसाइट पे तो सामने मेंशन होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर मेंशन नहीं है सामने तो आप इसके सर्च uh, ऑप्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं मैंने स्कूल पर सर्च किया अब स्कूल पर सर्च करने के बाद देखिए ये सामने ये आ गए स्कूल आपके स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ एंड वट जो भी आपके फर्दर आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे अच्छा अब यहाँ पर फर्दर मैं क्या करूंगा फॉर मैं जाता हूँ मेडिकल एंड हेल्थ ठीक है मैं इस इसे क्लिक कर देता हूँ जब मैंने स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने शो हुआ ठीक है अब यहाँ पर आपने देखना है अबाउट अस इनके अबाउट के बारे में पढ़ना है तो अबाउट पर जाए कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं ठीक है कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं आप यानी कि आपको आइडिया हो कि आप इनके कोर्सेज को कैसे जो है ना चेक कर सकते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर कोर्सेज के बाद ओवर रिसर्च ओवर स्टाफ ओवर रिसर्च और फेसिलिटीज़ मैं ओवर रिसर्च पर क्लिक करता हूँ क्योंकि पी एच डी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करें जाहिर सी बात है आपने रिसर्च इंटरेस्ट इनका चेक करना होता है और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको राइट साइड पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो किसी और स्कॉलरशिप से वाट एवर किसी से रिलेटेड आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा टिल देन अगर आप उन्हें हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे ठीक है अच्छा uh, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ मैंने रिसर्च पे क्लिक किया था मेरे सामने देखें डिफरेंट एरियाज ओपन हो गए सबसे पहले स्कूल रिसर्च एरियाज uh, ये वाले एरियाज हैं आपके सामने एक्सरसाइज मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर प्रिसीजन हेल्थ सेंटर फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस हायर डिग्रीज बाय रिसर्च अब मैं क्या करता हूँ मैं एक्सरसाइज मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट या इस पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद Uh, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो हो गए इनके, इनके जो प्रोजेक्ट इस uh, के अंडर चल रहे हैं इस स्कूल के अंदर इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीजें आपके सामने से मैंशन हो जाएंगी ठीक है अच्छा अब फॉर uh, एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ न्यूट्रिशन एंड इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पे ठीक है क्योंकि न्यूट्रिशन की हम डिग्री के बारे में फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं तो ये प्रॉपर इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी इनकी प्रॉपर जो रिसर्चेज वगैरह जो भी चीजें चल रही हैं पब्लिकेशन वगैरह जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं अच्छा फिर आपने आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली इनके जो है ना यहाँ पर देखिए स्कूल बेस्ड रिसर्च में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ये देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पॉपुलेशन हेल्थ इस तरह से आपने इनके स्टाफ तक पहुंचना है ठीक है ओवर स्टाफ इनका स्टाफ प्रॉपर हर चीजें यहाँ पर मैंशन होंगी आप यानी कि मैं प्रोफेसर की ईमेल देखना चाह रहा हूँ तो मैं न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स पर क्लिक करता हूँ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के इनके फोर प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है एक है हेल्थ एंड माइक्रोबायोम पे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन एंड फूड लिटरेसी अक्रॉस लाइफ लिटरेसर फूड सिक्योरिटी एंड फूड इवय फॉर एजाम्पल हम करते हैं न्यूट्रिशन एंड इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक तो आ, अभी वेबसाइट ओपन हो रही है ठीक है तो देखें दोबारा ये वेबसाइट ओपन हो गई है और इस तरह से यानी कि जहाँ पे जहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर इस तरह से ये वेबसाइट्स ओपन होंगी आपके सामने फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है सेंटर फॉर प्रिसीजन हेल्थ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोबारा देखें ये कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड ठीक है आप सिंपली यहाँ पर जाके इनके स्टाफ पे क्लिक करें स्टाफ पे क्लिक करने के बाद देखें ये इनके स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के जो ऑफिशियल स्टाफ है वो ये आपके सामने मेंशन है जो इनके एग्जैक्टिव डीन है वो है प्रोफेसर मायरा सिम एसोसिएट डीन है ये ये जो भी डॉक्टर डेविड रेड प्रोफेसर मानदा डिवाइन प्रोफेसर जैक्यूज प्रोफेसर सीमन लॉस ठीक है और ये सामने इनके प्रोफेसर ये सारे इनकी प्रोफेसर की लिस्ट है ठीक है अब आपने क्या करना है ये इनके एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये इनके सीनियर लेक्चर हैं ये लेक्चर हैं प्रॉपर यानी कि पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोज हर चीज इनके मेंशन है अब आपने क्या करना है वन बाय वन इनको ए, इन यहाँ पे क्लिक करें इधर क्लिक करने के बाद देखें इनकी प्रॉपर बायो डाटा यानी कि इनकी बायो और इनकी ईमेल वगैरह और ये सारी चीजें इनके ओपन हो जाएंगी अब देखें यहाँ पर इनकी ये सारी चीजें ओपन इवन इनका टेलीफोन नंबर जो आपको फॉरेस्ट स्कॉलरशिप में या डिफरेंट स्कॉलरशिप में वो पूछ लेते हैं इनका ईमेल एड्रेस इनके कौन से कैंपस में है ठीक है इनका रूम नंबर क्या है वट इनका करंट टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है बैकग्राउंड किस चीज में है और क्या इनकी रिसर्च है ये सारे रिसर्च एरियाज और इनकी पब्लिकेशन ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिकेशन ओपन हो जाएंगे रिसर्च प्रोजेक्ट इनके कौन से चल रहे हैं करंट जो जो है ना इनके ये मतलब करंट तो नहीं ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं इनके करंट भी हो सकते हैं प्रीवियस भी हो सकते हैं अब आपने जो है ना इस वीडियो का मकसद ये था कि प्रोफेसर की ईमेल कैसे फाइंड आउट करनी है जो कि मैंने आपको वन बाय वन इनका प्रोसीजर बताया कि ये देखेंगे यार इनकी ईमेल आ गई है जस्ट इसको कॉपी करें इसको कॉपी करने के बाद एक अच्छी सी ईमेल लिखें अट्रैक्टिव सी ईमेल उसमें अपनी अचीवमेंट्स वगैरह और अपने इंटरेस्ट मैंशन करें कि जो प्रोफेसर उसमें जस्ट मतलब तो थोड़ी चीजें ये मैंशन करनी होती है मैं आइडिया दे देता हूँ कि प्रोफेसर आ, हम जो है ना आपके प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस को सर्च आउट किया आप इनकी जो पब्लिकेशन है उनको सर्च करके इनको रीड आउट करें ठीक है फिर आपको आइडिया होगा ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है प्रोफेसर का रिसर्च वर्क क्या है डॉक्टर डेविड डेड का या वॉट एवर किसी को भी आप ई मेल करना चाह रहे हैं ठीक है इस तरह से यानी कि आपने प्रॉपर इनको ई मेल करनी होती है कि आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट हैं वो सिमिलर सिमिलरली मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो है ना मैं आपके जो प्रोजेक्ट में वर्क करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट का नेम वग़ैरह सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं और फिर आपने इनको रिक्वेस्ट करनी होती है काइंडली एक्सेप्ट मी इन योर प्रोजेक्ट और व्हाट एवर इस तरह से जो भी आपने प्रोफेशनल ईमेल करनी होती है अगर आप हमसे प्रोफेशनल ई वगैरह और या इस तरह की लेटर्स या प्रोफेशनल ई लिखवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आपने जो है ना इन प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है फिर अगर ये एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं तो फर्दर आपको प्रोसीजर आइडिया हो जाता है ठीक है सो so, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आपको प्रोफेशनल ई मेल हम जो है ना प्रोफेशनल लेटर्स वगैरह स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इंटरेस्ट स्टेटमेंट अः स्टमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट या स्टेटमेंट ऑफ परपज वगैरह या आप इस स्कॉलरशिप के लिए या इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं सारी चीज़ें पर्सनलाइज uh, होती हैं तो अगर आप हमसे चुकाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ज़ार करना हो